हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा बेस्ट कुकिंग स्टाइल में स्वागत है आपका। तो आपने ब्रेड से तो बहुत सारी रेसिपी बनाकर खाई होगी, पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 ब्रेड ताज़ा, और यहाँ 1 कप मैंने दूध ले रखा है, और 4 से 5 इलायची ले रखी हूँ, और चीनी। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, और साथ में डालेंगे हम पानी। अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए इसको एक उबाल तक आने देंगे। चाशनी हमारा उबलने लगा है, तो 1 चम्मच हम दूध डाल दिए हैं। तो चाशनी में से झाग आना स्टार्ट हो गया है, तो अब झाग को हम कलछी की सहायता से निकाल लेंगे। इससे हमारा चाशनी अच्छे से साफ हो जाएगा। इसे अब हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। चाशनी में हम 4 से 5 इलायची कूट कर डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन में टेस्ट आएगा। हमें बस चिपचिपा होने तक इसको पकाना है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो उंगली से टच करने के बाद ये चिपचिपा फील हो रहा है, तो चाशनी हमारा रेडी हो गया है। तो अब गैस को बंद कर लेंगे हम। तो ब्रेड को हम यहाँ पे काट लेते हैं, जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, उसको हमें काट कर निकाल देना है, और इसको फेंकना नहीं है। अब कोई भी रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारा ब्रेड को काट के निकाल लेंगे। ब्रेड को मैंने काट के तैयार कर लिया है, तब इसको हम तोड़ लेंगे, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ लेंगे। ग्राइंडिंग जार में हम डाल लेते हैं इसको, और ऑन ऑफ करते हुए इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। पीस के मैंने तैयार कर लिया है इसको, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा ही हल्का पीस रखा है मैंने इसको। तब हम प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। हमें जितना दूध लगेगा बस उतना ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा और दूध डाल के अच्छे से मसलते हुए, अच्छे से इसको हिलाते हुए चिकना डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा रेडी हो गया है, तो ऊपर से हमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मसल के इसमें मिक्स कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है, तब इसको हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। 5 से 7 मिनट डो को रेस्ट करते हुए हो गया, तो एक बार दोबारा से हम इसको मसल लेंगे। अब चिकना करके छोटा छोटा हम गोला तैयार कर लेंगे। अब सारे को हमें पीसेस में कट कर लेना है फटाफट से, तो बिल्कुल चिकना करके हम तैयार कर लेंगे सारे गुलाब जामुन को। तो सारा गुलाब जामुन हमारा रेडी हो गया है, तो अभी फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गर्म हो गया है मेरा, तब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो तेल गरम होते ही हम गैस को मीडियम कर लिए हैं। तो अब हम इसे गुलाब जामुन पर डाल दिए हैं। अब बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक अपने आप ही इसको फ्राई होने देंगे, बिल्कुल भी इसमें टच नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद ही हम साइड इसका चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया, अब इसका हम साइड चेंज कर लेंगे बिल्कुल हल्का हाथ से चलाते हुए। इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो गुलाब जामुन हमारा रेडी हो गया है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, फ्राई हो गया। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तो चाशनी की एक बार हम चेक कर लेंगे, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हाथ लगाएंगे तो हाथ को बर्दाश्त होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। अब सारे रसगुल्लों को हम एक बाउल में डाल लेंगे, उसी के अंदर हम चाशनी भी डाल देंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। हमारा गुलाब जामुन तैयार है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है।